पे दलिया बनाई है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल विद अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। दिन की शुरुआत हुई है ये तुलसी के काढ़े के साथ। यहाँ पे सिर्फ तुलसी के पत्ते को मैंने पानी में बॉईल करके आधा कर दिया है, साथ में करेले की भुंजिया, रोटी और आटे का हलवा है। यहाँ पे किट्टू को बहुत फीवर था, अभी थोड़ा सुधार है। उसके बाद यहाँ पे मैंने किट्टू को दोनों को भी तुलसी का पानी दिया है, काफ़ी अच्छा होता है। एक्चुअली मुझे भी कोल्ड कफ है और बच्चों को भी फीवर कोल्ड कफ हो रहा है, तो ये इम्यूनिटी के लिए काफ़ी अच्छा होता है। चलिए मैं पीती हूँ काढ़ा, मिलती हूँ थोड़ी। यहाँ पे बच्चे देख रहे हैं टीवी और ये देखो किट्टू की आज थोड़ी तबीयत ठीक है, कल से स्कूल जाएगा। हाउ आर यू बेटा? अभी देखो इसकी आईज कितनी ज़्यादा लग रही है बीमार सी, तो अभी बीमार ही है। और अभी बच्चे टीवी देख रहे हैं और यहाँ पे ना धूप निकली हुई है अच्छी खासी, तो कपड़े बाहर सूख रहे हैं। देखो न्यू प्लांटेशन किया है मैंने ये वालों की, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को भी दिखा दे रही हूँ। कुछ कुछ फ्लावर्स आ रही, सो पीस है और तुलसी माता और कुछ नहीं है। बाहर की भी तो है ही जो लगे हैं। एंड किचन में चढ़ा है मेरा दलिया, आज है मेरे लंच में। लंच में आज मैंने यहाँ पे दलिया बनाई है। एक्चुअली ना बच्चे की तबीयत ख़राब और मुझे भी कोल्ड कफ था, तो कुछ खाने का मन नहीं था, तो मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे दलिया बनाई है। मैंने कुकर में बनाती हूँ, ये मेरी एक कज़न दीदी है उसने बताया, तो मैं उसकी रेसिपी ट्राई की हूँ और दलिया मेरी ऑलमोस्ट बन गई है। यहाँ पे मैं सब फैला हुआ है, पानी वानी ला के किट्टू ग्लास वगैरह रख दिया है, अब खाएंगे हम, लंच करेंगे। हे गाइस, गुड इवनिंग। हो गई है दोपहर और दोपहर में खाया था हमने लंच में दलिया और बच्चे भी सो रहे हैं, अभी उन लोगों को उठाना भी है। यहाँ पे अभी 15 मिनट पहले बारिश हो रही थी, कपड़े मैं उठा के जस्ट चेयर पे रखी थी और देखो बारिश बंद भी हो गई और बहुत कड़ी धूप निकल गई। बारिश में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी में होता है, तुरंत धूप और तुरंत छाव, जिससे एक बार बार कपड़े उठाने में बड़ी दिक्कत होती है। तो अभी फिर अगेन अच्छी खासी धूप आ गई है, कपड़े अब मैं दोबारा नहीं डालूँगी, अब जा रही हूँ अंदर डालने। और अभी मुझे जाना है मार्केट। एक्चुअली मैंने कुछ शॉपिंग की थी, उसका ब्लाउज सिलने के लिए दिया हुआ था रामगढ़ में, तो बस जाऊँगी ब्लाउज सिलने के लेने। हस्बैंड अभी आ रहे हैं शॉपिंग पे जाएंगे और कुछ कुछ देखते क्या क्या प्रोग्राम होगा। कपड़े उपड़े उठा लिए हैं और कुछ कपड़े थे झूले पे उसको भी उठा लिया है। और वेदर बड़ा प्यारा है बट बहुत कड़ी धूप हो गई है, आई थिंक बारिश होगी बट बारिश हो नहीं रही है। आने के लिए दिया हुआ है एक और साड़ी है, उसका भी ब्लाउज स्टिच कराना है। जब मैंने दोनों ब्लाउज स्टिच करा लूँगी तो आप लोगों को दिखाऊँगी ज़रूर। तो चलते हैं अंदर बच्चों को उठाने, और अभी हस्बैंड आए नहीं है। एंड वर्स्ट पार्ट इज़ मेरे बाल में इतना ज़्यादा तेल लगा है, मेरा बहुत हेडेक हो रहा था तो मैंने तेल लगा लिया था बहुत ज़्यादा। जाए अंदर, जाना है शॉपिंग पे और बच्चों को भी उठाना है। और मेरे फेस पे देखो, ये एक बार पिंपल हुआ था ना, तो यहाँ पे पिंपल नहीं है बट ये दाग उग गया है, कैसे जाएगा आई डोंट नो। दवाइयाँ चल रही हैं और फिर से पिंपल्स हो रहे हैं, ऐसा वेदर है ना कि पिंपल्स हो ही जा रहे हैं। यहाँ पे हम रेडी हो गए हैं, चलो कहाँ जा ली? अभी बारिश का वेदर है, चारों तरफ बड़ा प्यारा ग्रीनरी छाया हुआ है, बहुत अच्छा। हम लंकटाले शॉपिंग करने। शॉपिंग करने जा रही हो तुम? हाँ। क्या लोगी? लेगी। कुछ सामान लेगी? अच्छा, और क्या लेगी? बलून्स लेगी। और क्या लेगी? सामान लेगी। सामान तो कू जा रही है सामान लेने। कू और मामा पीछे बैठे हैं और भैया कहाँ है? यहाँ है। क्या है? ये हमारे पति देव। और कहाँ गया मेरा बेटा? यहाँ है। हेलो बेबी। हेलो। ये वो बच्चा जिसकी थोड़ी तबीयत खराब थी, अभी ठीक है? आर यू फीलिंग वेल? एक्चुअली अभी थोड़ी देर पहले रेनिंग हो रही थी, फिर अब अचानक से धूप निकल आई है, तो शायद कहीं रेनबो निकलेगा। व्यूज बहुत ज्यादा सुंदर है, तो चलिए चलते हैं शॉपिंग। जैसा कि रक्षाबंधन और तीज बहुत जल्दी आने वाला है, तो आई थिंक सबकी धीरे धीरे तैयारियाँ चालू हो गई होगी। चलिए मैं एंजॉय करती हूँ अपने सफर को और जाती हूँ शॉपिंग करने, मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद। तो हम पहले आए रिलायंस ट्रेन, देखते हैं कुछ शॉपिंग वॉपिंग करेंगे, उसके बाद जाएंगे फिर। तो यहाँ पे आए हम अभी रिलायंस ट्रेन सबसे पहले। तो यहाँ पे हम
हम आ गए हैं ग्रोसरी लेने। सो गाइज यहाँ पे हमने ग्रोसरी सारी ले ली है, अब जा रहे हैं ग्राउंड फ्लोर पे बिलिंग कराने। बिलिंग काउंटर पे हस्बैंड बिलिंग करा रहे हैं। मैंने कुछ कुछ सामान लिया, नेल पेंट भी लिया, वो आपको आगे दिखाऊंगी। एंड कू बार बार मेरा नेल पेंट देखने में भी कौन सा अच्छा लग रहा है बताओ? ब्लू वाला और रेड वाला। सो यहाँ पे सारी ग्रोसरी ले ली है, बहुत ज़्यादा सामान हो जाता है रिलायंस से, और यहाँ पे ग्रोसरी के नाम पे सिर्फ बिस्किट, चिप्स और बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा एसेसरीज हो जाती हैं। तो चलिए यहाँ पे शॉपिंग मेरी हो गई है, अब हम जाएंगे कार में, हस्बैंड लेकर आ रहे हैं। सो ग्रोसरी वगैरह ले लिया है, अब जा रहे हैं, मेरा ब्लाउज सिलने के लिए दिया था उसे रिसीव करने, एंड एक ब्लाउज स्टिच कराने के लिए और देना है। सो डायरेक्टली यहाँ पे टेलर मार्केट लाजवंती मार्केट से मैंने ब्लाउज लिया। उसके बाद कुछ पेट पूजा करने का मन था तो फूड प्लाजा में आ गए। यहाँ पे स्ट्रीट फूड देता है तो यहाँ पे हमने पनीर रोल और मोमोज और आइसक्रीम खाई थी, और बच्चों ने पनीर रोल बहुत अच्छे से इंजॉय किया था। देन आइसक्रीम। सो फ्रेंड्स हम लोगों ने खा पी लिया, जो जो काम था सब कुछ कर लिया, शॉपिंग हो गई है, और अभी गए हस्बैंड, उनको ऑफिशियल शर्ट लेनी थी स्काई ब्लू कलर की, वो लेने, तो वो लेके आएंगे। जब तक हम लोग कार में ही वेट कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स हस्बैंड को वहाँ पे शर्ट नहीं मिली थी तो हम आ गए फैशन फैक्ट्री। यहाँ पे हस्बैंड की चॉइस की दो शर्ट्स मिल गई थी, वाइट एंड आइस ब्लू कलर की, आपको नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर दिखाऊंगी। एंड यहाँ पे फटाफट से मैं ब्लॉग शूट करी एंड पहुँच गए, बच्चे उतर गए। सो फ्रेंड्स घर पहुँच गए, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं, रात के 10:10 हो गए हैं। साथ ही यहाँ पे सब्जी पैक करा कर लाए हैं, रोटी मेड ने बना दी थी, अगर खाने का मन होगा तो खा लेंगे। एंड हस्बैंड ने कहा चलो इसे सजा लेते हैं, अदरवाइज़ ये ऐसा रखा रह जाएगा। तो हम यहाँ पे ग्रोसरी रात को सजा रहे हैं, एक्चुअली हस्बैंड ही सजा रहे हैं, मैं बस हेल्प कर रही हूँ और वीडियो शूट कर रही हूँ। तो जो भी ग्रोसरी था हमारा उसे सबको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है, किचन के जो भी सामान है एक जगह, और जो भी खाने पीने का चिप्स बिस्किट कुरकुरे वगैरह है, मैगी वगैरह एक साइड रख लिया है, एंड पनीर चीज़ काजू सब एक अलग अलग बैगेज में ही रख के छोड़ दिया है, जिस बैगेज में हम लेकर आए थे रिलायंस से उसी बैगेज में करके हम स्टोर रूम में अलमीरा में से रख देंगे ताकि ये सेफ रहे, क्योंकि हमारे यहाँ कभी कभी चूहों का आगमन भी हो जाता है। तो यहाँ पे सारा जो है मैंने एक अलग अलग बैगेज में करवा लिया है, कर लिया है। साथ ही मैंने अपने लिया है ये फॉग का डिओड्रेंट, इसकी खुशबू बहुत ही अमेजिंग है, ये मैं कॉलेज टाइम पर यूज़ करती थी, इसका ब्लू शेड, इस बार लिया पर्पल, बहुत अमेजिंग खुशबू है। और ये रही मेरी नेल पेंट की है, और ये ईच 99 रुपीस की है और काफ़ी गुड क्वालिटी की है, मैंने ये लगाया भी हुआ है देखिए। और दिस वन राइट मशरूम पनीर चीज़ वगैरह को सब फ्रिज में रख दे रही हूँ। फ्रेंड्स मेरी सारी ग्रोसरी की जो शॉपिंग थी उसको अरेंजमेंट हो गया, ठिकाने लगा दिया गया है, सब स्टोर में भर भर के बैगेज में रख दिया गया है, अभी उसको बॉक्सेस में नहीं रखा है क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है। और हमें ये सब करते हुए 11:30 हैं, हस्बैंड तो ऑफिस से आए थे, फिर हम लोग को मार्केटिंग कराने गए, अब काफ़ी टायर्ड हो गए, हस्बैंड गए अंदर रेस्ट करने, बच्चे भी गए, मैं भी यहीं पर करूँगी ब्लॉग को एंड। आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और जो मेरी शॉपिंग का आज का था ना वीडियो, नेक्स्ट पार्ट में लाने की पूरी कोशिश करूँगी। ग्रोसरी तो ऑलमोस्ट बेसिक है, वो ऑलमोस्ट डी मार्ट विशाल या तो रिलायंस ट्रेंड, मैं तो रिलायंस से शॉपिंग करती हूँ, तो वो बाय वन गेट वन की वजह से ना ग्रोसरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और बजट तो छोड़ो ही, मतलब किचन का सामान कम होता है और जो एडिशनल चीज़ें होती हैं वो बाय वन गेट वन या तो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। आई गेस सबके साथ होता, अगर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप लोगों के साथ भी ये होता है क्या, मेरे साथ तो हमेशा ही होता है, लेना कुछ था ले के कुछ आती हूँ, और इवन सारी चीज़ें भी नहीं मिल पाती हैं, बट अच्छा लगता है ऐसे शॉपिंग करने में। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट व्लॉग नेक्स्ट वीडियोस में, अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। सुप्रभात।